नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साबिता ठाकुर और आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट शो पूछे अपना सवाल में। दोस्तों, इसमें आप हमसे पूछते हैं खेतीबाड़ी पशुपालन से जुड़े हुए सवाल और हम देते हैं आपके सभी सवालों के जवाब। दोस्तों, आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और ईमेल के जरिए भी। तो अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं अपने विशेषज्ञ का। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कॉल लगाते हैं अपने पहले कॉलर को, जिनका नाम है ओम प्रकाश पवार। सर, मैं साबिता बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। ग्रीन टीवी साबिता जी, नमस्कार। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। आप कुछ सवाल पूछना चाहते थे? जी, मेरे वो जो चने हैं वो उनको 35 दिन हो गए पानी पिलाया नहीं है। फर्स्ट पानी आज पिलाएंगे या कल? जी, नहर बंदी का पानी, इंदिरा गांधी नहर का, तो उसमें कितनी यूरिया दें और कौन कौन सी खाद डालें उसमें? पहला पानी है, 35 दिन हो गए चनों को। ओम प्रकाश जी, आप चने की फसल के बारे में बात कर रहे हैं? जी, चना की फसल। हाँ, देखिए ऐसा है कि जो आपने जब चना बोया था जी, तो उसमें क्या पहले आपने नाइट्रोजन फास्फेट और पोटाश डाला था? जी, फास्फेट डाला था और वो डीएपी आता है ना सर, डीएपी। हाँ, डीएपी में ठीक है, 18% तो नाइट्रोजन उससे मिली गई आपको जी, और 46% उसमें फास्फेट होता है जी। तो ठीक है, देखिए चना को जब हम बोते हैं जी, तो जितनी भी दलहनी फसलें हैं, चना ही नहीं और भी जो फसलें हैं, उनको राइजोबियम कल्चर से उपचारित करके बो देने के बाद, और जो आपने पहले ही बोने से पहले जो आपने फर्टिलाइजर डाल दिया जितना जी, उसके बाद चना में अब सिंचाई करने के बाद कोई भी फर्टिलाइजर डालने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, यूरिया नहीं डालें? नहीं, यूरिया देखिए ज्यादा ग्रोथ करने से हमारा जो है वो पार्ट आना कम हो जाता है जी, मतलब सीधा पानी पिला दें, मतलब 35 दिन के हैं। हाँ, देखिए पानी जो है बहुत ज्यादा नहीं लगना चाहिए, पानी कम लगना चाहिए और यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं है, उससे आपका ये होगा कि फलियां बहुत ज्यादा बनेंगी। अच्छा, यही पूछ रहे थे, मतलब चने में कितनी? हम तो सर यहाँ जो खेती करते हैं वो 10 किलो अभी फर्स्ट पानी में यूरिया भी डालते हैं। नहीं तो देखिए ऐसा है कि जब आपने पहले डाल दिया है जी, तो अब डालने की जरूरत नहीं जी। सर, जैसे कुछ खेती में, जैसे मेरे पड़ोसी हैं, मैं उनमें क्या है कि पहले उन्होंने नहीं डाला और उपचारित भी बीज नहीं किया था, तो फिर उनमें खाद डालें अभी? देखिए नाइट्रोजन का काम है पौधे को बढ़ाना जी, और ये भी आप जानते हैं किसान होने के नाते कि चना अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसमें फिर जो उसके जो पार्ट है यानी जो फल है उसका वो बहुत कम लगता है। नहीं सर, बढ़वार अभी चने की थोड़ी कम है, इसलिए मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है। ज्यादा बड़ा नहीं है तो आप ऐसा करिए फिर 10 किलो यूरिया जो है पर हेक्टेयर के हिसाब से दे दीजिए। जी जी जी, 10 किलो जी। ओम प्रकाश जी, आप कुछ और जानना चाहते हैं? नहीं, बस ठीक है मैडम, धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, अगर किसी ने अपने पौधे को बिना उपचारित किए हुए बोया है, अगर उसने बीज बिना उपचारित किए हुए बो दिया है और उसके बाद उसकी फसल में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो क्या उसे यूरिया या ऐसे किसी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, बीज के उपचारित करने के दो कारण हैं जी। एक तो ये है कि हमको फफूंदी व नाशक जो है उपचार, जैसे थीरम, कैप्टान और बावस्टीन से उपचारित करने की बात करते हैं, ये फफूंदियों को नष्ट करने के लिए, ताकि आगे फफूंदी बारी बीमारियां ना आए, नंबर एक। दूसरे, दलहनी फसलों में जब हम राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर देते हैं तो वातावरण की नाइट्रोजन हमारे उसमें आ जाती है मिट्टी में, और उससे मिट्टी का उर्वरा स्तर बढ़ता है और पौधा अपने आप विकास करता है जी। तो सर, अगर किसी ने नहीं किया है उपचारित तो वो क्या? अगर उसने उपचारित नहीं किया है तब फिर स्वाभाविक है कि नाइट्रोजन की हमें कमी होगी और उसको पूरा करने के लिए हमें यूरिया या नाइट्रोजनिक फर्टिलाइजर की आवश्यकता पड़ेगी जी। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि आप कभी भी अपने बीज का चुनाव करें और जब बीज को बोएं तो उससे पहले उसको उपचारित जरूर कर लें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और कॉल लगाते हैं अपने अगले कॉलर को, जिनका नाम है कवलजीत सिंह। जानते हैं इनसे कि क्या है इनका सवाल। हेलो। हेलो सर, ग्रीन टीवी से साबिता बात कर रही हूँ। आपने पिछले दिनों कुछ प्रश्न भेजा था, आपको कुछ जानना था। जी, तो कवलजीत सिंह जी बताइए, आप क्या पूछना चाहते थे? तो ग्लैड के बारे में हम पूछना चाहते थे कि हम जो मैंने ग्लैड लगा रखा है जी, एक एकड़ जी, उससे मैम ना एक तो गंडी नहीं पूरी निकल रही जी, गंडी नहीं निकल रही पूरी, एक ना बीच में से पौधा सूख रहा है जी। अब मैं पूछना चाहता था कैसे एक बार ग्लैड लगा ली, जो उसके बल्ब होता है, जो कार्मर होता है उसका, वो रहता आगे आगे जी। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि पत्ते सूख रहे हैं, हाँ जी हाँ जी,
तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो उसकी फूल निकलना शुरू हो गया है अभी नहीं? सर अभी निकल चुका है, मतलब 10% डंडी निकली, उसके बाद अचानक बंद ठीक हो है, गई डंडी तो निकल रही। आप ये हमें बताइए, जो फूल का जो डंडी है हाँ जी हाँ उस पर कहीं आपको सफेद सफेद कोई पाउडर जैसा तो नहीं दिखाई दे रहा? हाँ जी, अभी मतलब अभी कुछ भी निकल नहीं रहा, अभी ना पौधा बढ़ रहा है ना डंडी का कुछ भी, वो प्रोग्रेस हो रही है, वहीं पे अच्छा खड़ा है पौधा ही। अच्छा जब आपने बोया था तो इसमें आपने फर्टिलाइजर डाला था? हाँ जी फर्टिलाइजर ज्यादा था, उसको सूखे में दवाई डाली थी, कितना डाला था फर्टिलाइजर? फर्टिलाइजर सर एक आधा एकड़ आधा थैला डाला था सुपर का, आधा थैला डाला था डीएपी। अच्छा ठीक है। और इससे पहले गोबर की खाद खेत की तैयारी करते समय? हाँ जी हाँ वो डाली थी। अच्छा अब आप ऐसा करिए कि हाँ जी सर आप एक तो फंजीसाइड ले लीजिए, फंजीसाइड में आपका डाइथेनियम 45 मिल जाए, क्या या लेंगे? किलो अच्छा डाइथेनियम 45, एम 45 ठीक है जी। और अगर ये नहीं मिलता है तो आप कापर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर एस्ट्राइज ठीक है हाँ जी ठीक इसका 2 ml पर लीटर के हिसाब से तो इसका हो गया। है जी। और जो आप 1 लीटर जो तैयार करेंगे ये दवा, हाँ जी इसमें 10 ग्राम हाँ यूरिया जी भी डाल सर दीजिए साथ में, यूरिया ठीक है जी। हाँ, और दोनों को मिलाकर के जो आप सॉल्यूशन बनाएंगे हाँ जी हाँ वो आप उसका छिड़काव कर दीजिए। ठीक है जी। जी कवलजीत सिंह जी, और कुछ जानना चाहते हैं आप? मैम जैसे मेरे को ना कई लोगों को बताया कि जैसे दो दो तीन साल गैलेड का बल्ब मतलब तो खत्म हो जाता है उसका, कहते देखिए हैं ना जो बिल्कुल फूल नहीं आता उसके बाद, तो उसका देखिए बल्ब बनता है नया। देखिए ऐसा है कि ग्लाइडोलस जो होता है हाँ जी सर तो उसका नीचे जिस तरीके से प्याज होता है ना उसी तरीके से इसका बल्ब होता है, हाँ जी हाँ वो बल्ब तो पता ही मेरे हाँ। को। अब उसको जो आप जिस वक्त क्रॉप खत्म हो जाती है उसके बाद एक सर्टेन टेम्परेचर पर इसको रखना पड़ता है, हाँ जी हाँ वो स्टोर हाँ। कर। अगर ज़्यादा टेम्परेचर पर अगर ये रखा जाता है तो फिर बाद में जर्मिनेशन इसका कम हो जाता है या समाप्त हो जाता ओके जी ठीक है जी। जी कवलजीत सिंह जी, और कुछ जानना चाहते हैं आप? नहीं मैम बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद कवलजीत सिंह जी, आप हमसे जुड़े और अपना जी। सवाल पूछा। हाँ धन्यवाद आपका भी सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका जी। जी। ओके तो दोस्तों बात करेंगे और भी कॉलर से, जानेंगे उनकी समस्याओं को, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पूछे अपना सवाल। छोटा सा ब्रेक। आलू का ग्रोथ कम है और अच्छा उसमें साइज बढ़ाने के लिए कौन सा रासायनिक खत डालना पड़ता है? जी देखिए आलू का कंद वाली फसल है और जी कंद वाली फसल में फास्फेट का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है, फास्फेट जो है इसमें ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट शो पूछे अपना सवाल में। दोस्तों इस शो के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल और ट्विटर के जरिए भी। आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब कॉल लगाते हैं चेला भाई पटेल जी को, जो की गुजरात से है, और जानते हैं इनका क्या है सवाल। सर नमस्कार, मैं साबिता बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। आप आलू कुछ पूछना का चाहते हैं सर? जी सर आप क्या जानना चाहते हैं आलू के बारे में? आलू का ग्रोथ कम है और अच्छा उसमें साइज बढ़ाने के लिए कौन सा रासायनिक खत डालना पड़ता है? जी देखिए आलू का कंद वाली फसल है और जी कंद वाली फसल में फास्फेट का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है, फास्फेट जो है इसमें ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। फास्फेट कौन सा फास्फेट आपने? सुपर फास्फेट 16% वाला आप ले लीजिए, सुपर फास्फेट। हाँ इसमें कितना कैसा जी लिखा होता है? देखिए सुपर फास्फेट 16। देखिए उस पर लिखा होगा आपके बैग पर लिखा होगा सिंगल सुपर फास्फेट 16% P2O5। दूसरा कुछ डालना पड़ता है इसमें? ये देखिए ऐसा है, जब आप आलू के खेत की तैयारी करते हैं उसी समय आपको जो आपने गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद जो भी डाली है उसके बाद जब अंतिम रूप से तैयारी करते हैं उसी समय आपको ये सुपर फास्फेट डाल देनी चाहिए थी, काला जमीन में हाँ, क्योंकि ये कंद वाली फसल है, जब मिट्टी से आपको सुपर फास्फेट P2O5 जिसे कहते हैं ये जब मिलता है तब कंद जो है बड़ा होता है। पोटास की सब जरूर पड़ता है? पोटास जो है वो रोग रोधक क्षमता को और भोजन बनाने की क्रिया के काम आता है,
इसलिए पोटास को भी डालते हैं। नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास तीनों के अलग अलग काम है और इनको तीनों की आवश्यकता पड़ती है। हाँ जी, तो इसमें सुपर फास्फेट डालना पड़ता है इसीलिए। हाँ, जितनी भी कंद वाली फसलें हैं उनमें सुपर फास्फेट की मात्रा अधिक डालनी पड़ती है। ज्यादा? हाँ जी। आलू की साइज बढ़ाने के लिए दूसरा कोई रासायनिक खाद? रासायनिक खाद तो ये है ही, जो सिंगल सुपर फास्फेट है ये रासायनिक खाद ही है। हाँ जी जी, आप कुछ और जानना चाहते हैं? ये तो सिंगल सुपर फास्फेट जमीन में डालना पड़ता है। हाँ जी जी, धन्यवाद जी। तो दोस्तों, इसी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कॉल लगाते हैं MS बीका जी को, जो कि बीकानेर राजस्थान से हैं, और जानते हैं इनसे क्या है इनका सवाल। मैं साबिता बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ जी मैडम। नमस्कार सर, आप कुछ जानना चाहते थे? हाँ, मैं जानना चाहता था कि जैसे हमारे राजस्थान बीकानेर में क्या है कि गर्मियों के दिनों के अंदर कमरे का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री के आसपास रहता है, और ज्यादा गर्मी होती है बाहर तो 47 डिग्री तक जी। तो ऐसा क्या किया जाए कि मशरूम की खेती के अंदर वो टेम्परेचर में जो है, क्योंकि ऐसी तो अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। देखिए, मशरूम की खेती जो आप करते हैं, हाँ जी सर, वो बड़े स्केल पर करते हैं तो बड़ा हार्ड बनाते हैं। हाँ जी। और अगर कम उसमें करते हैं तो आप एक बड़ा कमरा बनाते हैं। हाँ जी सर। कमरे में आप रैक बनाते हैं जिन पर कि आप पॉलीथीन जो बाद में रखते हैं उस पर। हाँ जी। अब जो आपका क्वेश्चन ये है कि हमारा टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। हाँ जी। तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपको अपने वहाँ AC लगाना पड़ेगा। तो सर, AC अगर मान लो अफोर्ड नहीं कर सके तो? देखिए, अगर आप AC अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हाँ जी सर, और टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, तो ऐसी दशा में आप एक ये काम भी कर सकते हैं, अगर टेम्परेचर को मेंटेन करना है कि आप चारों तरफ से उसको कवर करिए। कवर जैसे ईंट और बजरी के? नहीं, बजरी से कवर करने के बाद कभी भी टेम्परेचर डाउन नहीं होगा। उसको आप जैसे ये आपका जो खस है, इस तरीके की जो है घास लगा करके और उसको पानी छिड़कते रहेंगे तो उससे टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप नहीं ले आ पाएंगे कमरे का टेम्परेचर, तो आपका खेती करना उचित नहीं होगा, क्योंकि जिस समय आपको धागे जैसी संरचना थैली में दिखाई देती है उस समय 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना अनिवार्य है और 80 से 90 जो है प्रतिशत मॉइस्चर होना जरूरी है। तो MS बीका जी, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें कॉल किया, अपना सवाल पूछा। तो दोस्तों, फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पूछे अपना सवाल। केचुआ को डेवलप करने वाली बात है, उसमें जो आपका जो दवाई है मट्ठा से बनाते हैं, मट्ठा से, और उसमें आपका जो रख देते हैं 4-6 दिन उस मट्ठे को, उसके बाद जब खेत में डालते हैं तो केचुआ जो नीचे केचुआ होता है, जब केचुआ हमेशा बना रहता है खेत में, जब हम रसायन के दवाइयाँ डालते हैं तो केचुआ नीचे चला जाता है, और जब इस तरीके के हम जीवामृत को जब हम डालते हैं तो केचुआ ऊपर आ जाता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी किसान दोस्तों का स्वागत है आपके फेवरेट शो में, जिसका नाम है पूछे अपना सवाल। आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है खेतीबाड़ी या पशुपालन से जुड़ा हुआ, तो आप फटाफट अपना फोन उठाइए और पूछे अपना सवाल। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और ईमेल के जरिए भी। दोस्तों, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कॉल लगाते हैं हवा सिंह जी को और जानते हैं उनसे कि क्या है उनका सवाल। हेलो। हेलो, नमस्कार सर, मैं साबिता बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ जी बोलो। सर, आप कुछ सवाल पूछना चाहते थे हमसे? हाँ जी, खेत में आपके 21 दिसंबर को आपके टीवी पर एक कार्यक्रम प्रसारित किया गया था, उसमें आपने बताया था जी कि 10 किलो दूध, 2.5 किलो मक्खन है जी, और उसमें क्या मिलाया जाता है जिससे खेत में केचुआ पैदा हो जाते हैं? केचुआ को डेवलप करने वाली बात है, उसमें जो आपका जो दवाई है मट्ठा से बनाते हैं, मट्ठा से, हाँ, और उसमें
आपका जो रख देते हैं 4-6 दिन उस मट्टे को, उसके बाद जब खेत में डालते हैं तो केचुआ जो नीचे केचुआ होता है, जब केचुआ हमेशा बना रहता है खेत में, जब हम रसायन के दवाइयां डालते हैं तो केचुआ नीचे चला जाता है, और जब इस तरीके के हम जीवामृत को जब हम डालते हैं तो केचुआ ऊपर आ जाता है। जी हवा सिंह जी, आप कुछ और जानना चाहते हैं? बस ये, और कोई जरूरत होगी तो आपको हम बता देंगे, फोन नंबर है हमारे पास। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमसे जुड़े इसके लिए। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, कॉल लगाते हैं अपने अगले कॉलर को, जिनका नाम है संदीप सिंह, और जानते हैं इनसे कि क्या है इनका सवाल। नमस्कार सर, मैं साबिता बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। नमस्कार जी सर, पूछिए अपना सवाल। मैम, मैं मशरूम की खेती करना चाहता था, तो उसके लिए खाद और कैसे बनाया जाता है, इसकी जानकारी नहीं थी मुझे। जी देखिए, मशरूम जो है वो कई तरीके का होता है सर। बटन मशरूम, पैरा मशरूम, दूधिया मशरूम, जो हमारे उत्तरी जो भाग है, हमारा मैदानी भाग है, इसमें ये ज़्यादातर बटन मशरूम को इस्तेमाल करते हैं, इससे सबसे ज़्यादा मार्केट में इसी का मूल्य मिलता है। तो इसके लिए जो सामग्री तैयार करते हैं, उसमें सामग्री में आपका भूसा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट, म्यूरेटा पोटास, गेहूं का चोकर, सीरा, जिप्सम और लिंडेन, इतनी चीज़ें होती हैं, और इनको बाकायदा अच्छी तरीके से इसका एक पूरी प्रक्रिया करते हैं कि पहले गेहूं को जो भूसा है उसको पानी से भिगोते हैं और अच्छी तरीके से पैरों से उसको रौंदते हैं। रौंदने के बाद जिप्सम और उसको लिंडेन को हटा करके बाकी जो सामग्री है उसको सबको उसमें डाल करके और उसका 4 फीट ऊंचा ढेर बना देते हैं। जी सर। 5 दिन तक उसको नहीं छूते हैं, 6ठे दिन उसकी पलटाई करते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देते हैं जी। उसके बाद फिर हर 3रे दिन पलटाई करते हैं, और 8 दिन पलटाई, 8 पलटाई होती है हर 3रे दिन के बाद जी। तो ये भूरे रंग का हो जाता है डिकम्पोज्ड होके। अब इसमें देखना ये है कि इसका pH 7.2 के आसपास होना चाहिए और अमोनिया की महक नहीं आनी चाहिए, तो ये सामग्री आपकी तैयार हो गई। तो सर, इसका पीएच मान कैसे हम पता करेंगे? देखिए, पीएच का मान पता करने के लिए एक लिटमस पेपर आता है जी। अगर आप घर पे अपना इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक केमिकल जहाँ मिलते हैं वही ये लिटमस पेपर मिलता है, वो आपको बता देता है इसका पीएच इतना है। लिटमस पेपर का कलर से मालूम हो जाता है, और जो बोतल होती है उस पर उसका रंग लिखा हुआ होता है, जैसा रंग आएगा उतना ही वो पीएच होगी। और नहीं तो अच्छा ये है कि आप तुरंत उसकी जांच करा लें, पीएच मीटर पर तुरंत हाथ के हाथ जो है वो जांच हो जाती है। जी सर। जी संदीप जी, आप कुछ और जानना चाहते हैं? बस मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच संदीप जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ कॉल लगाते हैं अपने अगले कॉलर को, विशाल शाह जी को, और जानते हैं इनसे कि क्या है इनका सवाल। साबिता बात कर रही हूँ सर ग्रीन टीवी से। आप कुछ जानना चाहते थे, पूछे अपना सवाल। हाँ जी मैडम, मैं ये जानना चाहता था कि क्या सॉइललेस कल्चर में अपने को ऑर्गेनिक पॉसिबिलिटी है क्या, हाइड्रोपोनिक्स में? देखिए, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। सवाल इस प्रश्न ये उठता है कि आप जैविक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो आपको आपका जो है वो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन हो जाएगी, और अगर अगर आप उसमें उर्वरक या कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं तो वो जैविक फर्टिलाइजर नहीं होगी, आपकी जैविक खेती नहीं होगी। सर, ये जानना चाहते हैं कि ग्रीन हाउस में कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, कर सकते हैं आप, ग्रीन हाउस में बिल्कुल कर सकते हैं जैविक खेती। जीवामृत जो है ये आपका जो बनाते हैं, इसमें गौमूत्र होता है, थोड़ा सा इसमें गौमूत्र लेते हैं, गोबर लेते हैं गाय का, और उसको मिला करके उसमें दही मिलाते हैं, और इसको थोड़े दिनों के लिए रख देते हैं। उसके बाद जब ये तैयार हो जाता है तो इसको, अगर हमारा 10 लीटर है तो उसमें 50 लीटर तक पानी मिला करके और उसको फिर इस्तेमाल करते हैं। हाँ सर, तो इसको मैं हाइड्रोपोनिक्स इस्तेमाल कर सकता हूँ? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें सॉइल नहीं है तो जो बैक्टीरिया वगैरह ग्रो होंगी वो काम कर पाएंगे, कर पाएंगी? देखिए, इसलिए मैंने प्रश्न पूछा था। ऐसा है कि इसमें जो आप इस्तेमाल करेंगे तो
तो ये तो स्वाभाविक है कि जब तक न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो पौधा का विकास नहीं होगा। जी सर। तो अकेले जीवामृत से आप चाहें कि हम खेती कर लें तो ये संभव नहीं है। जी, वापस सपोर्ट देना पड़ेगा मुझे। हाँ, उसमें भू पावर है, माइक्रो पावर है, इस तरीके के जो जैविक उर्वरक आते हैं उनका इस्तेमाल जब आप करेंगे तब कर पाएंगे। जी सर, जी सर। जी विशाल जी, आप कुछ और जानना चाहते हैं? नहीं मैम, थैंक यू मैडम, मैं इसके बाद जी। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और ये सवाल हमसे पूछने के लिए। जी शुक्ला जी, आपने हमारे सभी कॉलर्स को बहुत इम्पोर्टेंट और सटीक जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपका भी है कोई सवाल तो अपना फोन उठाइए और फटाफट हमें अपना सवाल भेजिए। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और ईमेल के जरिए भी। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।